अस्सलाम वालेकुम जी। वाले मौलाना साहब, मेरे हस्बैंड 3 साल से, 3 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी। डायलिसिस पेशेंट थे 6 साल से। तो लेकिन ना अब जो है ना, 3 साल से मामलात, मेरे 4 बच्चे हैं तो इनके मामलात, घर के मामलात जो है ना, बहुत डिस्टर्ब हुए हुए हैं। और किसी से मतलब मदरसे के मौलवी ने बोला कि आपके ऊपर सिफली अमल किया गया है, जादू किया गया है, कुछ खिलाया पिलाया गया है। और आपके बच्चे को, बड़े वाले बेटे को भी ये मसला हुआ हुआ है। घर का रूटीन, बच्चे मेरे सब डिस्टर्ब हुए। बताने वाले उनको बोलो कोरोना तो, क्योंकि इतना तो पता लग गया कि कुछ हुआ हुआ है। हाँ, लेकिन वो बोलते हैं कि इतने पैसे लेके आए, कुछ हुआ हुआ है, इतने पैसे। हाँ, लेकिन वो बोलते हैं कि पैसे लेके आए आप, ये इसका इलाज इस तरह से होगा। तो ये मामला आता है, मेरे यकीन करें, मैं बहुत परेशान हूँ। बीबी, सूरा बकरा पढ़नी है घर में, फलकनाथ का जोर रखे, खुली पढ़े, वुजू हो या ना हो। फिर जो मैंने बताया कि सूरा बकरा, वो अपना आयतुल कुर्सी का जुमे वाले दिन का जो वजीफा है, ठीक है, वो करें, अल्लाह ताला सारे लाद और रिस्क में इतनी तंगी है, जो पैसे आमदनी थोड़ी बहुत आती भी है। और भी आप ये करें तो सही। अब वो बच्ची मेरी इधर ही पढ़ती है, यकीन करें कि 4 दिन आती है, 5वें दिन बोलती है मैंने यहाँ पढ़ना, मैंने अल्लाह आपकी मुश्किल आसान करे। आप एक दुआ है ये याद कर लें, हर मुश्किल का हल है वो। ये पुकारना अल्लाह को, तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखू। ये दुआएं इसलिए बताई हैं, फौरी तौर पे असर करती हैं। कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, कोई दुआ नहीं आती, अल्लाह की कसम, दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दो। अल्लाह कहते हैं हाजात का मुझको पता है। अल्लाह कहता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तू चल दुरूद ही पढ़, अल्लाह को तेरी हाजात का पता है, पढ़ो। आप दुरूद पढ़ना शुरू कर दें, सारे मामला हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन मसला वही है, जैसे मुफ्ती की बात पे यकीन कर लिया कि मुफ्ती ने मुफ्ता लगाया कि ये हो गया वो हो गया, तो आप अगर दुरूदी पढ़ेंगी तो अल्लाह के हुक्म से, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बात है, कि जब तुम दुरूद इब्राहिमी पढ़ोगे, जब दुरूद पाक पढ़ोगे, अल्लाह तुम्हारी सारी हाजात को जानता है वो। وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمني فارحمني أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها رحمة ما سواك برحمة تغنيني بها رحمة ما سواك اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال